नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज की दिव्य वनस्पति है घात की। यह वनस्पति अपने दिव्य औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेदिक में एक विशेष स्थान रखती है। अधिकतर सभी प्रकार की आसाब और अरिष्ट दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे दवाएं और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। पेट संबंधी रोगों में अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन यह विभिन्न रोगों को दूर करने की अद्भुत शक्ति रखती है। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम धाय के फूल के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। घातकी को विभिन्न नामों से जाना पहचाना जाता है, जैसे कि संस्कृत में इसको घातकी, कुंजारा, सुभिक्षा, हिंदी में धाय फूल, धबई, धाय, उड़िया में जलिको, कन्नड़ में दातकी, तेलुगु में सेरिंगी, बंगाली में धाय फूल, मराठी में धापती, अंग्रेजी में रेड बेल बुश एवं इसका वानस्पतिक नाम है बुटफोल्डिया फ्रूटिकोसा। अधिक नामों की जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आपकी भाषा में इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आप इस वनस्पति को नहीं पहचानते हैं तो यह झाड़ी नुमा पौधा होता है, जिसमें तने पर फूल लगते हैं और ग्रीष्म काल में इस पर फूल ही फूल नजर आते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह के इसके फूल होते हैं, आप देख लीजिए। और अधिकतर इन फूलों का ही इस्तेमाल औषधीय प्रयोग में किया जाता है। जनवरी से अप्रैल तक इसमें फूल खिलते हैं। इसके फूल अधिक मात्रा में गुच्छों में ही लगते हैं। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, आप देख लीजिए, जो लंबे और कुछ संकरे होते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार धाय के पुष्प शीतल, कसेले, चरपरे, मृदुता करने वाले, हल्के तथा तृष्णा, अतिसार, रक्त शोधक और विषर्पनाशक होते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं धाय के औषधीय प्रयोग, जो अत्यंत लाभकारी है। ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। उदर रोगों में प्रयोग करने के लिए धाय के 2 से 3 ग्राम फूलों के चूर्ण को सुबह खाली पेट सेवन करने से कुछ ही दिनों में पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। इसका अगला प्रयोग है 1 चम्मच चूर्ण शहद या फिर मट्ठे के साथ लेने से अतिसार यानी कि दस्तों की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, तथा बार बार होने वाले शौच, प्रवाहिका, संग्रहणी आदि रोग बहुत जल्दी ठीक होता है। अगले प्रयोग में यदि कहीं पर कट जाता है तो इसकी टहनियों को चंदन की तरह घिसकर उस कटे हुए स्थान पर लगाते हैं तो खून आना रुक जाता है। यह खून को रोकने में अच्छा काम करता है, इसलिए खूनी बवासीर, रक्त प्रदर्द आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके फूलों का शरबत बनाकर सेवन करना चाहिए, या फिर इसके फूलों को सुखाकर 1 चम्मच चूर्ण 2 चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 2 या 3 बार सेवन करने से लाभ होता है। अगले प्रयोग में लीवर तथा पीलिया रोग में इसके फूलों का चूर्ण चित्रक के चूर्ण के साथ सेवन करने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। अगले प्रयोग में जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता है और उनको किसी भी प्रकार की समस्या भी नहीं है, तो धाय के फूल बहुत ही अच्छा लाभ करते हैं। इसके लिए आप धाय के फूल और नील कमल के फूल दोनों को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और सुबह शाम शहद में मिलाकर सेवन करें। यह प्रयोग आपको ऋतुकाल से 5 दिन तक करना है। यदि पहले महीने में आपको लाभ नहीं होता है तो आप कुछ माह करते रहें। यह प्रयोग करते रहने से गर्भ ठहरने की आशंका बढ़ जाती है। यह चर्म रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए आप इसके सूखे हुए फूलों का पाउडर बना लें और फेस पाउडर की तरह इसका इस्तेमाल करने से चेहरे की दाग धब्बे और फुंसियाँ दूर होती हैं, तथा शरीर में कहीं पर भी फोड़े फुंसियाँ हैं तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रयोग है कटेरी तथा धाय के फूल दोनों को जलाकर भस्म बना लें और इस भस्म में सरसों का तेल लगाकर कुष्ठ रोग पर लगाने से कुष्ठ जल्दी ठीक हो जाता है। इसके बाद ये दांतों के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करती है। दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या है तो यह उनको ठीक कर देता है। धाय के फूल और पत्तों को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर गरारे करने से दांतों के सभी रोग ठीक होते हैं। यदि बच्चों को दांत निकलते समय समस्या आती है तो आप इसके फूलों को पीसकर बच्चों के मसूड़ों पर मलें तो उनके सरलता से दांत निकलते हैं। इसके और भी कई अनगिनत औषधीय लाभ हैं, जिनको हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे।
आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों के माध्यम से जानकारी सभी तक पहुंच सके। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को समय पर देख पाएं। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल, कन्फ्यूजन या फिर आप हमें कोई सलाह देना चाहते हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।